हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी। एकदम यूनिक तरीका है। और अरबी के पत्ते की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी, खाई होगी, बट इस तरह से नहीं बनाई होगी। बहुत इजी तरीका है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अरबी के पत्ते की जब भी आप सब्जी बनाएँ तो पत्ते छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते ना लें। और देखिए, इस तरह से मीडियम साइज़ के पत्ते हों तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते मत लीजिएगा। तो अब देखिए, मैंने इन्हें ऐसे ही अभी रफली धुल लिया है। अब हम इन्हें इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पत्ते होने चाहिए, कितने प्यारे लग रहे हैं पत्ते। तो हम इन्हें इस तरह से डंठल से अलग कर देंगे और इन्हें हम कट कर देते हैं। और सारे पत्ते आप देख लीजिएगा, जो पत्ते पीछे से आगे से थोड़े से इस तरह से ख़राब होते हैं उन्हें हम निकाल देंगे। तो हमें एकदम फ्रेश पत्ते चाहिए, तो हम इन्हें डंठल से अलग कर लेंगे और पत्ते अलग कर लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने डंठल और पत्ते दोनों अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये डंठल बहुत पतले हैं, तो इनकी भी सब्ज़ी बनती है। तो इनकी सब्ज़ी मैं कभी आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें कट कर लिया है। और ये पीछे की साइड, ये थोड़ा सा कड़ा होता है पार्ट, तो इसे मैं निकाल दूँगी। इसे इस तरह से हम निकाल देते हैं। तो छोटे छोटे पत्तों में नहीं होता है, जो थोड़े से बड़े पत्ते हो जाते हैं उनमें ये होता है। तो ये कड़ा वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसे हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम सारे निकाल देते हैं और फिर हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से एक एक पत्ते को हम धुल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने पत्तों को अच्छे से धुल लिया है। रनिंग वाटर में मैंने इन्हें धुला है, बहुत ज़्यादा पानी में इन्हें धुलना होता है। तो मैंने देखिए अच्छे से इन्हें धुला है और ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। देखिए, ये पानी इसमें थोड़ा सा रह गया है, इसे हम फेंक देते हैं। अब देखिए, एक एक पत्ता हम इस तरह से लेते हैं और इन्हें हम इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। तो सारे पत्ते हमें इस तरह से एक के ऊपर एक रखने हैं, और छोटे हों या बड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें इस तरह से इन्हें एक ही जैसे रखना है। देखिए इस तरह से, अब हम यहाँ पे इनको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका टाइम तो बचेगा ही, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जितना पतला इसे कट कर सकते हैं उतना पतला इसे कट कर दीजिए, बट आपको यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा चॉपर से चॉप नहीं करना है। इस तरह से इसके पतले पतले लंबे लंबे लच्छे होने चाहिए। तो हम इन्हें इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, जब भी आप पत्ते इस तरह से कट करें तो इससे पहले अपने हाथों में सरसों का तेल ज़रूर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हथेलियों में। फिर उसके बाद आप ये पत्ते कट कर सकते हैं। तो अरबी हो या फिर अरबी के पत्ते, दोनों से ही थोड़ी थोड़ी सी खुजली होने लगती है, तो इस तरह से आप कट करेंगे तो नहीं होगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये पत्ते कट कर लिए हैं और सारे पत्ते मैं इसी तरह से कट कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये पत्ते कट कर लिए हैं और बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं। और आप जब भी ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं अरबी के पत्तों की, तो यहाँ पर पत्ते आप छोटे ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे पत्ते होते हैं जब। तो देखिए, मैंने इसे एक बाउल में रख लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, यानी एक छोटा चम्मच। अब हम डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पत्ते हैं उस हिसाब से आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच के करीब ड्राई मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप स्किप ना करें। और साथ ही अगर आपके पास यहाँ पे नींबू है तो एक छोटा चम्मच नींबू का जूस भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। और अब मैंने लिया है करीब 1 कप बेसन। फ्रेंड्स, बेसन मैंने अभी इतना ही लिया है, और आगे अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करूँगी। तो अब हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले, तो क्योंकि अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है। तो अभी हमें इसे बिना पानी के ही इस तरह से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि हमें कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो अभी हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पत्तों में अपना मॉइस्चर होता है तो उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिना पानी के इस तरह से मिक्स किया है। तो अब हमें यहाँ पर पानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी डाला है। और अब इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से।
और अभी हमारा जो ये बॉल है छोटा लग रहा है मुझे, तो अभी हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें अच्छे से ही मिक्स हो जाएगा। तो फटाफट से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, अभी हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें बस, तो इतना ही पानी इसमें लगेगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मैश करते हुए मिक्स करना है। आधा कप के करीब हम बेसन इसमें और डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेसन ना डालें, वरना जब हमारी सब्ज़ी बनेगी तो उसमें सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमें बेसन कम डालना है, मतलब पत्तों में डालना है बेसन, ना कि बेसन में पत्ते डालने हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लेते हैं। देखिए इसको मैंने इस तरह से गूंद लिया है और इसमें 1.5 कप बेसन लगा है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बेसन ना डालें और इस तरह से हमारा डो थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो अब हम हाथ धुल लेते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, तो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर आयरन की कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो ये वाला स्टेप हमें कढ़ाई में ही करना है। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों के तेल से ही ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब हम इस तेल को थोड़ा सा इस तरह से स्पून से फैला देते हैं कढ़ाई में। और अब देखिए मैंने इसको इस तरह से फैला दिया है। अब हम आते हैं डो की तरफ। तो हाथों में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि चिपके ना, और इस तरह से हम थोड़ा सा पार्ट इसका ले लेंगे और इस तरह से हम इसका लॉग बना लेंगे इस तरह से। देखिए तो आप यहाँ पे छोटे या फिर बड़े या फिर पतले लंबे जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं देखिए इस तरह से बना रही हूँ, इस तरह से मैंने ये बना लिया है। तो आप इससे पतले भी बना सकते हैं और इससे छोटे भी बना सकते हैं। एक तैयार हो गया है देखिए। तो इस तरह से हम अपने सारे बना लेते हैं। और आप यहाँ पे बेसन की जगह थोड़ा सा मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा बेसन और आधा मैदा से भी ये बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं अपने सारे लॉग बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 6 बनके तैयार हो गए हैं। तो मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, अगर आप छोटे बनाएंगी तो 8 से 10 बनके तैयार हो जाएंगे। अब कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसमें एक एक करके सारे लॉग इस तरह से रख देंगे। तो आप ध्यान रखें कच्चे तेल में ना इसे रखें, क्योंकि कच्चे तेल में जो स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तभी आप इस तरह से लॉग इसमें रख दें। तो लॉग रखने के बाद हम इसमें 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ना ही हम इसे ढकेंगे। तो 1 मिनट के बाद जब इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे नीचे से देखिए, तब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, करीब 1 से 1.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इस तरह से। इनके ऊपर से नहीं ऐड करना है, साइड से इस तरह से ऐड करें पानी। और देखिए यहाँ पे आपको पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, लॉग डिप ना हो इतना पानी आप ऐड करें। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें पानी ऐड करना है। अब हम इसे ढक देंगे। तो एक प्लेट से हम इसे ढक देते हैं और ढक के हम इसे करीब 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पे। तो देखिए अभी यहाँ पे 5 मिनट हुए हैं इसको बॉयल होते हुए। और अब हम इसको इस तरह से एक स्पैचुला लगाएंगे नीचे से, इस तरह से हल्का सा इसको उठाएंगे ताकि पानी इसका अंदर तक जा सके और अंदर तक ही अच्छे से स्टीम हो सके। अब हम दोबारा से इन्हें ढक देते हैं और अब फिर हम चेक करते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए 10 मिनट में ये लॉग इस तरह से स्टीम हुए हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इन्हें गैस से हटा लेते हैं। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी निकालेंगे तो टूट जाएंगे, तो हम इन्हें 2 मिनट के बाद निकालते हैं। और देखिए 2 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें निकालेंगे, देखिए ये इस तरह से स्टीम हुए हैं, पानी भी नहीं है और इस तरह से अच्छे से स्टीम हो गए हैं, क्योंकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये लगे भी नहीं हैं, जले भी नहीं हैं, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें इन्हें स्टीम करना है। और अब हम एक एक करके सारे लॉग इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए बस थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए, इसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। तो देखिए 2 मिनट भी हो चुके हैं, लॉग ठंडे हो चुके हैं बट बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं अभी। तो हम इन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। देखिए अंदर तक अच्छे से स्टीम हुए हैं। देखिए इस तरह से जब हम कट कर रहे हैं तो इनके अंदर एक जाली सी आई है, तो अब हम इस तरह से अपने सारे लॉक कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो इन्हें आप ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए बट इसमें एक स्टेप और बाकी है, तो अभी ये लॉक तैयार नहीं हुए हैं, तो मैंने देखिए इस तरह से सारे कट कर लिए हैं और इन्हें आप इस तरह से खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दो चार तो मेरे इस तरह से ही खाए जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इन्हें और ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे, तो इसके लिए अभी आगे का स्टेप देखते हैं। तो अब देखिए मैंने सेम कढ़ाई ले ली है बट उसे धुल लिया है, और धुल के मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच इसमें तेल ऐड किया है सरसों का। सरसों का तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज इस तरह से बारीक कटा हुआ, और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा सा ही फ्राई करना है। अब देखिए 2 ग्रीन चिली हम इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने बीच से इसमें चीरा लगा दिया है क्योंकि साबुत मिर्चें जब आप फ्राई करेंगे तो चटकने लगती हैं, इसलिए मैंने बीच में चीरा लगाया है। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें ये अपना टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें टमाटर और अदरक को मैंने पीस लिया है, तो ये मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और लहसुन को इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है, तो ये हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो आप टमाटर लहसुन अदरक सारी चीज़ों को एक साथ ही पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं, तो नहीं तो आप इस तरह से ऐड करिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से जब हम बनाते हैं ये। तो हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि टमाटर और लहसुन अदरक का कच्चापन चले जाना चाहिए, इतना हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं क्योंकि मसाले पहले भी हम ऐड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे इसमें अपने लौंग ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखे थे, तो सारे पीस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाले में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए तो आपको अगर यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम लगे तो आप यहाँ पे ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं, बट अगर आप सरसों का तेल इसमें डाल रहे हैं तो सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा तभी आप इसमें ऐड कीजिएगा, वरना कच्चा ऐड करेंगे तो इसमें स्मेल आएगी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया है, तो उसी हिसाब से आप नमक इसमें डालें। और हम इसको अब थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हीट को आप लो रखिएगा, लो हीट पर हम इसे फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल और ऐड करेंगे क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तभी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में और दिखने में भी। तो आप अगर इसे आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे, और इसे आप नॉनस्टिक में भी बना सकते हैं, तो जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं, नॉनस्टिक में तेल थोड़ा कम लगता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि 3 मसाले तो ये बेसिक होते ही हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं, और अब मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई किया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे देखिए 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला, तो ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून करीब आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स आपके पास अगर किचन किंग मसाला है या फिर आपके पास सब्जी मसाला है या फिर गरम मसाला है, तो ये तीनों मसालों में से कोई एक मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन्हें ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, और 2 चम्मच टमाटर प्यूरी की जगह आप वहाँ पर 1 या 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, तो ये ग्रेवी वाले बन जाएंगे। बट हम लोग तो इससे इसी तरह से ही खाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं, या आप इन्हें रोटी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ ये इस तरह से खाइए पकौड़ी के जैसे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से सर्व करेंगे,
और इस तरह से हम इन्हें राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर आप इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।